हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस वीडियो इज़ पार्ट टू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। इसमें हम ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच करेंगे, लेकिन इन दोनों थ्योरीज को समझने के लिए आपको नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का पार्ट वन देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को इंटरमीडिएट अप्रोच भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, स्टार्टिंग में कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करके फर्म की वैल्यू को इंक्रीज किया जा सकता है, बिकॉज डेट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फंड एज कम्पेयर टू इक्विटी। और डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाती है, जिससे फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। सेम एज वी डिस्कस्ड इन द पार्ट वन ऑफ दिस लेक्चर इन नेट इनकम अप्रोच। बट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट, डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स का फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो उस केस में डेट की जो एडवांटेज है वो ऑफसेट हो जाती है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी के साथ, जिससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहती है और फर्म की वैल्यू पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फर्म की वैल्यू भी सेम ही रहती है। नाउ नेक्स्ट अप्रोच इज मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। इस अप्रोच को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स एंड व्हेन टैक्स एग्जिस्ट। इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स, दिस अप्रोच इज आइडेंटिकल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। और उस केस में इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस भी कहा जाता है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये कहना बिल्कुल इररेलेवेंट है कि डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन का फर्म की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है। सेम एज इन नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसका भी यही कहना है कि डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स का फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाता है, एंड द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट डेट इज ऑफसेट बाय द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दस द वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन कॉन्स्टेंट। और सेकेंड केस में जब टैक्स एग्जिस्ट करता है तो ये अप्रोच बिल्कुल आइडेंटिकल है नेट इनकम अप्रोच के, और इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ रेलेवेंस भी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग डेट का प्रोपोर्शन कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्रीज करने से बहुत से टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट टैक्स से पहले दिया जाता है। इसके कारण कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाती है और फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। आई होप आपको दोनों थ्योरीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।